हाय हेलो फ्रेंड्स, फिर स्वागत है मेरा चैनल को। आज हम लोग एक्सेवेटर इंस्पेक्शन का बारे में डिस्कस करेगा, वो क्या क्या चेक करने का, ऑपरेटर लोग, टेक्नीशियन लोग, इसमें कैबिन चेक करने का, कैबिन का अंदर डिस्प्ले की ऑन करने के टाइम पे डिस्प्ले आता है, ये एक्सेवेटर में इंजन स्पीड दिख रहा है, ये 1800 RPM इंजन स्पीड दिख रहा है, लोड देने का टाइम 1500 हो रहा है, बैटरी वोल्टेज दिखता है, एक्सेवेटर का डिस्प्ले में बैटरी वोल्टेज 27-28 दिख रहा है, ये चालू इंजन पे। ये चालू होने के बाद वार्निंग लाइट नीचे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आएगा, वो चेक करना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर भी दिख रहा है, पंप प्रेशर भी दिखता है इसमें, वो गेज डालने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डिस्प्ले में आपको पंप का प्रेशर मिलता है। इसके बाद कूलेंट टेम्परेचर, इंजन का कूलेंट टेम्परेचर दिख रहा है 1148 फ़ारेनहाइट दिख रहा है। हाइड्रोलिकल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये डिस्प्ले में दिखेगा। ये स्विंग बेयरिंग का बोल्ट चेक करने का, इसके बाद स्विंग ग्रीस ट्रैक का, हाइड्रोलिक टैंक में ऊपर लीकेज है वो चेक करने का, स्विंग मोटर का ऊपर, फ्यूल टैंक का ऊपर, इसके बाद हाइड्रोलिक ओस है, ओस में ओरिंग लगता है, ओरिंग चेक करने का, चालू करके ओरिंग चेक कर सकते हैं। ये आगे का ओस है, ओस में भी लीकेज हो सकते हैं। बकेट डालेगा तो, ब्रेकर डालेगा तो, वो चेक करने का, किसी मशीन में बकेट रहेगा, किसी मशीन में ब्रेकर रहेगा, उसमें ऑपरेट करके चेक करने का, ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑपरेट होने का टाइम पे हाइड्रोलिक होस में देखने का, ऑयल लीकेज है, लूज रहेगा तो भी लीकेज आता है, वोरिंग पट गया तो भी लीकेज आता है, वो ज़रूर चेक करने का। इसके बाद फ्रंट सिलेंडर है, दो सिलेंडर है, बूम सिलेंडर, वो देखने का। इंजन का आएगा तो इंजन का साउंड चेक करने का, कुछ बेल्ट का लूज है, कुछ अबनॉर्मल नॉइस है, स्मोक भी चेक कर सकते हैं, कौन सा कलर का स्मोक है, ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, इसमें इंजन का हेल्थ पता चलता है। इंजन लीकेज चेक करने का, ये पंप का साइड में पंप चेक करने का, ट्रैक रोलर है, शू बोलते हैं उसको, ट्रैक शू बोलते हैं, वो स्प्रैकेट घूमने वाला स्प्रैकेट चेक करने का, वो घिसा है, लूज है, इसका ट्रैक का टेंशन चेक करने का, कितना टेंशन है, आगे मोटर रहेगा, मोटर का लीकेज देखने का, बोल्ट लूज है, रोलर रहता है, ट्रैक लिंक रहता है, वो ट्रैक लिंक का कितना घिसा वो देखने का, काउंटर हेड का पीछे कुछ डैमेज है वो देखने का, नीचे कुछ हाई लीकेज स्टार्ट होने के बाद नीचे हाई ले देखने का, बोनट उठा के देखने का, हाइड्रोलिक पंप का आवाज़ देखने का, कभी कभी प्रॉब्लम रहेगा तो हाइड्रोलिक ऑयल कम रहेगा तो आवाज़ आते हैं वो देखने का, फिल्टर में जो सर्विस होने के बाद फ़िल्टर लीकेज हो सकते हैं, टाइट नहीं रह सकते, वो भी देखने का, इसका वायरिंग चेक कर सकते हैं, वायरिंग की कट हुआ है नहीं है, फिर कपलिंग का साउंड भी चेक कर सकते हैं, रेडिएटर का सामने एक ऑपरेटर है एसी का, वो भी देख सकते हैं, वो ब्लॉक हो सकते हैं रेडिएटर, डिस्प्ले में अगर ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहे तो। इसके बाद फ्यूल ओस चेक करने का, फ्यूज़ रहते हैं, फ्यूज़ चेक करने का, फ्यूज़ कभी भी शॉर्ट हो गया तो फ्यूज़ जा सकते हैं, बैटरी ऑन ऑफ कट ऑफ स्विच है वो भी देखने का, आगे वार्निंग स्टिकर, पीछे वार्निंग स्टिकर, रात में काम करने का टाइप रिफ्लेक्ट स्टिकर, आरन का साउंड है वो चेक करने का, अंदर कैबिन का अंदर एसी चेक करने का, एसी कूलिंग इफेक्ट, लाइट है, कैबिन का लाइट है, बूम का लाइट है, इसके बाद डोर लॉक है, डोर बराबर फिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने का, फ्रंट ग्लास है, रेयर ग्लास है, वो ग्लास क्रैक है कुछ देखने का, सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट भी देखने का, सीट बेल्ट लॉक होता है नहीं होता है, सीट बेल्ट ख़राब हुआ नहीं है,
सीट डैमेज हो सकता है इसकी, किसी किसी में सीट एडजस्टमेंट रहेगा वो भी डैमेज हो सकते हैं, वो देखने का। फिर चला के ट्रैक स्पीड डिविएशन देखने का, एक ट्रैक फास्ट रहता है एक ट्रैक स्लो हो सकता है, वो भी देखने का। स्विंग स्पीड राइट और लेफ्ट में कितना स्पीड में स्विंग हो रहा है वो भी देखने का। फिर ऊपर उठा के सिलेंडर ड्रिफ्ट चेक कर सकते हैं, सी अगर अंदर का सील जाएगा तो भी सिलेंडर नीचे गिर सकता है, वो देखने पड़ेगा। इसके बाद मिरर है, बैक साइड रिवर्स करने का टाइप मिरर देखने का, मिरर कुछ डैमेज है क्या बोल के। इसके बाद आयल चेक कर सकते हैं, स्विंग का आयल ट्रैक का आयल कितना है, ज़्यादा है कम है। फिर पूरा हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ये पूरा चेक करने के बाद में आपको मशीन चलाने का, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इन्फॉर्मेशन देने का प्रॉब्लम है बोल के। ठीक है, मेरा साहब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।